हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर नंबर 11 की। तो लेक्चर नंबर 10 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें हम लोग ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट पर बात कर रहे थे। तो उसी से रिलेटेड कुछ और दो चीज़ें पूछी जा सकती है आपको। एक तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा हीट जनरेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस आर। तो अगर ये दोनों पूछता है तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ करंट में आपको आई का फार्मूला हमने बता दिया था, वो हमने प्राप्त किया था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो वो क्या था, आई बराबर आई नॉट इंटू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ टाउ क्या था, एल अपॉन आर, टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। तो हाफ एल आई स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कि अगर किसी भी वक्त इंडक्टर कॉइल के थ्रू आई करेंट अगर फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो एनर्जी जमा हो जाती है वो हाफ एल आई स्क्वायर के फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। सो हाफ एल और आई की वैल्यू जो है वो इस तरह से, ये टाइम का फंक्शन है, आप रख दीजिए और फिर इसको स्क्वायर करके इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो बहुत ही ईजी है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ रहेगा और आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ हीट जनरेटेड थ्रू रेसिस्टेंस आर इज गिवन बाय। तो अगर चूंकि इससे इस सर्किट से चूंकि करेंट फ्लो हो रहा है, तो रेसिस्टेंस आर से एनर्जी रिलीज होगी, और वही हीट एनर्जी जो होगी अगर उसको कैलकुलेशन करना है तो आपको वही आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन करना होगा, और टी वन से टी टू जो भी आपका टाइम इंटरवल है उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद आपका आई जो भी है वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, और फिर उसके बाद ये इस रूप में आ जाएगा। इसमें आई नॉट स्क्वायर और आर जो है आपका कॉन्स्टेंट बन गया, तो वो बाहर ले लीजिए, और फिर जो बचे हुए टर्म है उसको स्क्वायर करिए, और फिर आगे स्क्वायर को तोड़िए और इंटीग्रेट करिए, तो जब वैल्यू देगा तो आप इस तरह से उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट का कंप्लीट डिस्कशन यहाँ तक जो है आपको हो गया। अब इसमें डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट पर बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि पहले तो हम लोग इस तरह से एक इंडक्टर कॉइल को सेल और रेसिस्टेंस के साथ जोड़ करके इसको स्टेडी स्टेट में ले आते हैं। मतलब कि इस इंडक्टर कॉइल के अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक एनर्जी जमा हो गई। कितनी हो गई, तो हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, क्योंकि आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट अगर हम ले रहे हैं, तो हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर जो है वो इसके अंदर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाएगी। अब क्या करना है कि इस सेल को यहाँ से हटा दीजिए, सेल को हटा दीजिए और सर्किट को डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि इसके पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है अब वो एक्ट लाइक ए सेल करेगा। ठीक है, मतलब इंडक्टर जो है उसकी वजह से खुद करंट जो है सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा भी है कि द एक्सटर्नल सेल रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम द सर्किट एंड द इंडक्टर कॉइल हैविंग मैग्नेटिक एनर्जी सेंड्स द करंट थ्रू द रेसिस्टेंस। यहाँ पर इस तरह से आपने सेल को हटा दिया, डायरेक्ट कर दिया इस तरह से, तो ये जो इंडक्टर कॉइल है खुद इसके पास जो एनर्जी है तो अब वही एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने के लिए, तो करंट जो है उसकी वजह से इस तरह से शुरू हो जाएगा। तो इंडक्टर विल एक्ट लाइक ए सेल, और ये इंडक्टर कैसा होना चाहिए, तो स्टेडी स्टेट में आ जाने के बाद यहाँ पर जब इसमें मैग्नेटिक एनर्जी जमा हो जाएगी तो वो वाला इंडक्टर कॉइल हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो एल डी आई बाई डी टी, और अब क्या होगा, मान लो कि आई करंट जो है इस तरह से फ्लो हो रहा है एट एनी टाइम। इस सर्किट को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इंडक्टर कॉइल ऊपर और रेसिस्टेंस नीचे, और उस तरह से ऐसे करंट फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि समय के साथ जो होगा करंट आई वो कम होता जाएगा। सो डी आई बाई डी टी विल बी डिक्रीजिंग, निगेटिव साइन इसका होना चाहिए, डी आई बाई डी टी विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर। सो आई जो है वो समय के साथ क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो द सिंपलेस्ट सर्किट फॉर द डीके ऑफ करंट कैन बी गिवन एच, इस तरह से दे सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं। और अब इसमें जो हम लोग लूप रूल लिखेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ना, अलोंग ए लूप, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो करंट तो इधर ही आ रहा है, तो इसके अक्रॉस आर के अक्रॉस आई इंटू आर बन गया, और इधर से आप देखिए निगेटिव टर्मिनल से एंट्री कर रहे हैं, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लग जाएगा, और उसके बाद ये फिर जहाँ थे वहाँ आ गए, तो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस आई, आप कहेंगे ये वाला माइनस कहाँ से लग गया, तो ये वाला माइनस इसलिए लगा क्योंकि डी आई बाई डी टी खुद इटसेल्फ क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का होने की वजह से डी आई बाई डी टी खुद निगेटिव साइन का होगा, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा साइन आपको माइनस लगा के उसको प्लस करना पड़ता है। ठीक है, जब डी आई बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो होता, पॉजिटिव साइन का होता, तो एक्स्ट्रा माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। निगेटिव से एंट्री किए तो निगेटिव, पॉजिटिव से एंट्री करते तो पॉजिटिव, जैसा पिछले केस में किया गया था। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा माइनस लगा है डी आई बाई डी टी के
निगेटिव होने की वजह से, मतलब आई के लगातार घटने की वजह से ये माइनस लगा है, और ये वाला माइनस लगा है हमारे इधर से इधर घूमने की वजह से, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग। तो उधर से इधर आए तो निगेटिव सेल से एंट्री हो रही है, इसलिए वो निगेटिव यहाँ पे लग गया। बाकी इसकी जो वैल्यू है ईएमएफ की, वो तो एल डी आई बाय डी टी है, वो तो रख दिया आपने। ओके, तो अब क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। ये माइनस ये माइनस तो खत्म हो गया। सो एल डी आई बाय डी टी प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। सो एल डी आई बाय डी टी आई आर इधर लेके जाइए तो माइनस आई आर हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, डी आई बाय आई कर दीजिए और आर बाय एल रखिए, और आपका ये जो हो गया इधर डी टी हो गया। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी दोनों साइड लगा दीजिए, लिमिट जब टाइम जीरो, तो यहाँ शुरू में जो करंट आएगा वो मैक्सिमम करंट आएगा, तो उसे आई नॉट ही कहा जाए। मतलब चूंकि यहाँ पर जो स्टेडी स्टेट में करंट आया था वो आई नॉट था मैक्सिमम करंट, तो वही मैक्सिमम करंट आई नॉट जो है अब यहाँ पे इस सर्किट में फ्लो होगा। जब आप सेल को हटा के डायरेक्ट करिएगा तो उधर से आई नॉट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो टाइम जीरो पर आई नॉट हो जाएगा, और उसके बाद एट एनी टाइम टी, मान लीजिए वो करंट क्या है, आई है, एट एनी इंस्टेंट टी, तो आई करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। तो डी आई बाय आई, और फिर आपका लिमिट हो गया आई नॉट से आई, और इधर हो गया माइनस आर बाय एल जीरो से टी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो एल एन आई बाई आई नॉट हो गया इक्वल टू माइनस आर बाई एल, और ये डी टी का टी बन गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आई बाई आई नॉट एल एन को इधर डालिए तो ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन, अब ये क्या करते हैं आर को नीचे लाते हैं तो एल बाई आर, ताकि मैं इसको टाइम कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिख सकूँ। तो ये बन गया हमारा ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई बराबर क्या बन जाएगा, ये आई नॉट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई बराबर आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यही है आपका डीके करंट का इक्वेशन। एल आर सर्किट में डीके ऑफ करंट का जो इक्वेशन है, करंट का जो समय के साथ कम होता जा रहा है, वो यही इक्वेशन है। तो आई बराबर आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इसको ग्राफिकली थोड़ा दिखाना है हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ग्राफिकली दिखाया गया। तो ग्राफिकली हमें पता है आई बराबर आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, तो इसमें पुट करिए टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो पर ऑफकोर्स यहाँ जीरो रखिएगा, ई टू दी पावर जीरो इज वन, सो आई इक्वल टू आई नॉट। तो यही तो था ही कंडीशन के शुरू में, आई नॉट करंट फ्लो होता था। अब टी टेंस टू इन्फिनिटी रखिए, मतलब कि बहुत देर के बाद क्या होगा। तो टी टेंस टू इन्फिनिटी आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो ये पूरा करंट आई जीरो हो जाएगा। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा कि इसकी सारी मैग्नेटिक एनर्जी इधर से हीट के थ्रू रिलीज होकर के खत्म हो जाएगी, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा। और आपसे पूछता है कि टी बराबर टाउ हो तो उस समय करंट की वैल्यू क्या होगी। तो आप टी बराबर टाउ यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो आई नॉट इंटू टू पावर माइनस वन, तो आई नॉट बाई ई हो जाएगा, आई नॉट बाई ई हो गया। और ई की वैल्यू आपको बताया गया है कि 2.71 होता है। सो आई नॉट बाई 2.71 यहाँ पर हो गया, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यही होता है 0.37 I0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक टाउ के बाद जो वैल्यू होगी करेंट की, वो आई नॉट बाई ई हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो ये था आपका डीके ऑफ करंट में करंट का इक्वेशन, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, फर्दर कैलकुलेशन फॉर डीके ऑफ करंट फॉर एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में आगे के कैलकुलेशन को देखिए। जैसे द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय, मतलब कि सर्किट से कितना चार्ज जो है वो फ्लो होगा, तो हम अगर उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो डेल्टा क्यू को आप लिख सकते हैं आई डी टी का इंटीग्रेशन, क्योंकि डी क्यू बराबर आई डी टी आप जानते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये डी क्यू का इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी आपको यहाँ पर रहेगा। आई वैल्यू आपको मालूम है, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, उसको सीधा सीधा रख देना है और डी टी के साथ इसका इंटीग्रेशन कर देना है। आई नॉट एक कॉन्स्टेंट हुआ सो बाहर आ जाएगा, और ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ डी टी हो गया। और उसके बाद अब ये जो टर्म हो गया ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ टी बाई टाउ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन यही रह जाएगा, और कोफिशियंट जो है टी का माइनस वन बाई टाउ उससे भाग लग जाएगा। सो ये बन गया आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और माइनस ऑफ वन बाई टाउ से डिवाइड कर देना है, और लिमिट आपका जीरो से टी जो है वो आपका रह गया। और फिर आप इस माइनस वन बाई टाउ को इधर बाहर ले लीजिए, तो ये टाउ आपका ऊपर चला आया और माइनस टाउ आई नॉट बन गया, और अंदर में बच गया ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और लिमिट लगा दीजिए जीरो से टी। एक बार आपने टी रखा और एक बार आपने जीरो रखा, तो कुछ इस तरह से हो गया। बाहर का जो भी था टाउ उसको एल बाई आर बना दिया, और फिर आई नॉट के साथ लिख दिया। तो आप देख सकते हैं ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, और माइनस फिर जीरो रखिएगा, टी की जगह जीरो रखिएगा, तो माइनस ई टू पावर जीरो दैट इज वन। तो हम आगे जा करके फिर इस माइनस को क्या किए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका ये वन के आगे का माइनस प्लस बन गया, तो प्लस वन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो ये क्या हो गया ओवरऑल, आई नॉट एल बाई आर एंड वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द चार्ज फ्लो
एट एनी स्टेट ऑफ टाइम टी, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम टी को जीरो रखते हैं तो वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, मतलब शुरुआत में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, वो सही बात है, तो जीरो। और अगर एक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम को रखें टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का टर्म, ये टर्म जीरो हो जाएगा। सो आई नॉट एल बाई आर का आपका टोटल चार्ज जो होगा, तो आई नॉट एल बाई आर को अगर आप ठीक से देखिए तो आई नॉट टाउ ही होता है, तो वो इन्फिनाइट टाइम के बाद जो है इस लाइट को टच करेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि एक टाउ टाइम कांस्टेंट के बाद कहाँ पर ये वैल्यू आएगी, तो आराम से टाउ टी बराबर हम लोग यहाँ पे टाउ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस वन, सो वन माइनस वन बाई ई हो जाएगा, राइट। तो एक टाउ वाला जब कैलकुलेशन होगा तो बिल्कुल ग्रोथ में जिस तरह से था तो वही हो जाएगा आपको, जो वो हम लोग कैलकुलेशन किए हुए थे वन माइनस वन बाई ई का कैलकुलेशन, तो आई नॉट टाउ है तो उसका हो जाएगा 63%, तो 0.63 टाइम्स आई नॉट टाउ, ठीक है, वो एक टाइम कांस्टेंट के बाद आ जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरह से ग्रोथ ऑफ करंट हुआ था एलआर सर्किट में, तो उसी तरह का ये ग्राफ है, तो उतना चार्ज आपको एक टाइम कांस्टेंट में फ्लो हो जाएगा, है ना, तो मतलब कि तेजी से चार्ज का फ्लो होगा। अब देखिए द वैल्यू ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल इज गिवन एज, अब इसी तरह से कि जो इंडक्टर कॉइल में जो एनर्जी है उसकी कैलकुलेशन टाइम के साथ क्या होगी, तो डेफिनेटली शुरू में एनर्जी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर थी, मैक्सिमम थी, और वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जा रही है। तो आप हाफ एल आई स्क्वायर, कभी भी अगर सर्किट से आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें जब आई के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एनर्जी बचेगी, सो हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा। सो हाफ एल और आई को आप जानते हैं आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, तो उसका स्क्वायर करके आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। जब आप टी जीरो पुट कीजिए तो फिर क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म ही हो जाएगा यहाँ पे वन, और बच जाएगा हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, तो जो शुरू में होगा। और एट इनफाइनाइट टाइम अगर आप देते हैं टी टेंस टू इन्फिनिटी टी टू माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो सबको जीरो बना देगा, मतलब सारी की सारी इसकी जो भी मैग्नेटिक एनर्जी है वो खर्च हो जाएगी, हीट एनर्जी बन के निकल जाएगी बाहर, ठीक है। तो एल आर सर्किट में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब डीके होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज गिवन बाय, अब हमें अगर देखना है कि किसी भी वक्त इनके अक्रॉस रेसिस्टेंस क्या है, तो गौर से देखिए, तो जो भी वीएल के अक्रॉस है वही वीआर के अक्रॉस है, सर्किट हमने इस तरह से बना रखा है, तो दोनों सेम ही आएंगे। सो वी आर अगर लिखते हैं आप, तो आई इंटू आर जानते हैं आप, सो आई इंटू आर, आई मालूम था आपको आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू आर, सो आप रख दीजिए आई नॉट आर एक साथ और ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ ऐसे रहेगा। और आई नॉट इंटू आर को आपने कैपिटल ई कहा था, क्योंकि कैपिटल ई बराबर आई नॉट आर, जो सेल का ईएमएफ था जब आपने स्टेडी स्टेट कंडीशन को ऑब्टेन किया था सेल लगा के, तो ई टाइम्स ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये इस तरह से रह जाएगा, जो आपको बताएगा कि टाइम अगर जीरो हो तो ईएमएफ E के बराबर होगा, मतलब कि जीरो जब टाइम हो तो ये सेल का इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वही आर के अक्रॉस भी आपको आ जाएगा, और इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस, और टी का अगर इन्फिनिटी वैल्यू रखिएगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये डिग्री जो कि जीरो हो जाएगा। इसी का ग्राफ है, तो चूंकि वी एल वी आर दोनों सेम ही है, तो शुरू में आपका ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, और वो ईएमएफ आई नॉट इनटू आर ही है, और फिर एक्सपोनेंशियली सीधा सीधा डिक्रीज हो जाएगा, इनफिनाइट टाइम पर जाकर के जीरो हो जाएगा, है ना, इस तरह से। वैसे आप चाहें तो वी एल के लिए अलग से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया आपके लिए। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल इज गिवन एज वी एल इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो यहाँ पे माइनस देखिए इसलिए रख रहे हैं हम लोग क्योंकि डी आई बाई डी टी क्या है, डिक्रीजिंग नेचर का है, यहाँ पे आई जो है वो आपको घटता जा रहा है, सो एल डी आई बाई डी टी में माइनस लगाना है ताकि आपको ये मैग्नीट्यूड में मिले वैल्यू वी एल। तो ये आप देख सकते हैं कि माइनस एल डी बाई डी टी और आई की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, सीधा सीधा उसको डिफ्रेंशिएट करते चले गए, और डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का डिफ्रेंशिएशन, तो ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ ही रहता है, और टी के कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस वन बाई टाउ आपका यहाँ पर टी का कॉफिशियंट है, सो माइनस वन बाई टाउ से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, फिर इसका माइनस माइनस प्लस, और इस तरह से एल आई नॉट बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, आप समझ सकते हैं। और यहाँ टाउ को जब भी आपको जरूरत पड़े एल अपॉन आर रख लीजिए, तो वही हमने किया यहाँ पे, तो एल आई नॉट यहाँ पे देख सकते हैं एल आई नॉट बाई टाउ है, तो एल आई नॉट बाई टाउ, टाउ को एल बाई आर रखा, सो एल कैंसिल हो गया, आर ऊपर चला जाएगा, सो आई नॉट आर एंड ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, आई नॉट आर को आपने ई एम एफ ई कहा था, तो देखिए सेम वैल्यू ई ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ सेम आ गया, जो वी आर के बराबर है, तो वो पहले भी फिगर से आपका क्लियर हुआ था।
अगर हीट जनरेटेड के बारे में सवाल पूछता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर डी टी, और आई की वैल्यू आपको वही रखनी है आई नॉट टी टी पावर माइनस टी बाई टाउ, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, फिर आर डी टी, और फिर इसी को आप जीरो से टी के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इस तरह से आई नॉट स्क्वायर और आर ये सब कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ई टू दी पावर माइनस ये स्क्वायर इसको टू टी बनाएगा यहाँ पे, तो माइनस टू टी बाई टाउ डी टी, और फिर उसके बाद जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यही चीज़ रह जाएगा लेकिन टी के कॉफिशियंट से डिवाइड हो जाएगा, तो टी का कॉफिशियंट है माइनस टू बाई टाउ, तो माइनस टू बाई टाउ से डिवाइड हो गया और फिर ये इस तरह से रह गया। तो ये चीज़ जो भी है ये आप ऊपर रख दीजिए टाउ को, और टाउ को ऊपर रख के एल बाई आर लिख दिया, और ये टू को भी बाहर ले आए और माइनस साइन अंदर ही छोड़ दिया, सो ई टू पावर माइनस टू टी बाई टाउ, और लिमिट आपका जीरो से टी है उसको रखिएगा, तो जब माइनस रहता है तो पहले हम जीरो रख देते हैं, तो यहाँ पे जीरो रखिएगा तो ई टू द पावर जीरो इज वन, और फिर माइनस लगा के आप अपर लिमिट रख सकते हैं, तो ई टू द पावर माइनस टू टी बाई टाउ, इस तरह से आप कर सकते हैं आराम से करके खुद से भी देख सकते हैं। सो ये आता है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू टी बाई टाउ, तो इसमें अगर आप देख सकते हैं टी इक्वल टू जीरो रखिएगा तो ई टू द पावर जीरो इज वन, सो वन माइनस वन इज जीरो, मतलब क्या होगा कि शुरुआत में तो कोई हीट रिलीज नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, और जब टी टेंस टू इन्फिनिटी रखिएगा तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगा और सबका सब हाफ एल आई नॉट स्क्वायर यही बचेगा, तो ये सबका सब हीट एनर्जी बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रोथ एंड डीके ऑफ एल आर सर्किट। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डीके में करंट वगैरह की वैल्यू और भी बाकी जो भी क्वांटिटीज थी, एनर्जी स्टोर, चार्ज फ्लोन, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर इंडक्टर, सारा हमने कर दिया। इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी सवाल होते हैं, देखिएगा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए बच्चों, जैसे इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, और ये पूछा हुआ भी है, तो ध्यान दीजिए क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स विल बी इलेप्स्ड, कहता है कितने टाइम कॉन्स्टेंट्स, कितने टाउ इलेप्स होंगे इन डिक्रीजिंग द एनर्जी टू वन फोर्थ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल। तो इसका मतलब देखिए, डिक्रीज करने की बात कह रहा है, इसका मतलब डीके वाला सर्किट है, तो डीके में हमें पता होता है ना जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, हाफ एल और I नॉट है, तो I नॉट का स्क्वायर। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कह रहा है कि जो U होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, U max का 1/4 होना चाहिए, है ना, कहता है ना हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट विल बी इलैप्स इन डिक्रीजिंग द एनर्जी टू 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 होना चाहिए। ठीक है, अब एनर्जी जो होती है हमें पता है कि वो हाफ एल आई स्क्वायर होती है, और ये मैक्सिमम हो गया हमारा हाफ एल I नॉट का स्क्वायर बाई फोर ऑल एज इट इज, सो आप देखिए ये सब कैंसिलेशन हो गया। अब I जो होती है वो डीके वाले केस में क्या पढ़े हम लोग, I नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ पढ़े, और इसी I का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, इधर है I नॉट स्क्वायर बाई फोर, तो इसी को आप सॉल्व करें तो क्या हो गया, I नॉट का स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टू टी बाई टाउ इक्वल टू I नॉट का स्क्वायर बाई फोर, तो आप यहाँ से देखिए ये सब कैंसिल हो गया और जो बच रहा है वहाँ से आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करना है फिर इसको, e टू दी पावर आपका यहाँ पर टाउ को जरा सा पूछ रहा है कि कितने टाउ है ना, तो एक बार जरा मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे, e टू दी पावर माइनस टू टी बाई टाउ इज इक्वल टू वन बाई फोर, इस तरह से हो गया। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो टेकिंग लॉग है ना, और बेस e ही रखिए बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ln हो गया ln e टू दी पावर माइनस टू टी बाई टाउ, और इधर हो गया ln वन बाई फोर, तो देखिए ln e रहता है तो ये सीधा सीधा गायब हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, सो माइनस टू टी बाई टाउ, तो आपको बता दूं कि ln e मतलब वन, ये हमेशा याद रखिएगा, ln का मतलब log बेस e। ठीक है, और यहाँ भी पहले से ही आप जानते हैं जब नंबर और बेस सेम होता है तो वैल्यू क्या होती है, वन होती है, यही चीज है। तो चलिए वो चीज हमने कर ली, ये सामने आ गया और बाकी चीज वन हो गया इक्वल टू, अब यहाँ से एल एन वन माइनस फोर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको लिख सकते हैं एल एन वन माइनस एल एन फोर, चूंकि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ln a by b is ln a minus ln b, आपको आसान पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे भी ऊपर ले जाते तो माइनस साइन आ ही जाता। खैर ln 1 is 0, log of 1 0 on any base, तो ये 0 हो गया है ना, ये 0 हो गया, फिर माइनस ये ln 4, तो 4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 का पावर 2 कर दीजिए। ठीक है,
अब ये माइनस टू टी बाई टाउ इक्वल टू माइनस टू एल एन टू, देखिए ऐसा लिख सकते हैं, अब माइनस टू कैंसिल हो गया, सो आपका टी बिकम टाउ टाइम्स एल एन टू और यहीं पर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि कितने टाइम्स कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट इनटू एलएन2, तो आंसर हो जाएगा एलएन2 टाइम्स। ओके, एलएन2 टाइम्स। और वैसे आपको बता दूं, लॉग अगर बेस 10 होता है तो 0.301, ओके, लेकिन अगर लॉग बेस एक्सपोनेंशियल होता है जिसको आप एलएन2 बोलते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, 2.303 टाइम्स 0.301 और यही लगभग 0.69 इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.69 आगे का भी वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं, बट हम लोग काम चला लेते हैं इतने से। तो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, एल एन टू दिया हुआ है तो वही, नहीं तो 0.69 का डेटा होगा तो वही आंसर करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, तो अच्छे से यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाय बच्चों, अगला सवाल देखते हैं क्या किया है। एक कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम का है, तो रेसिस्टेंस हमको गिवन है, क्या सब गिवन है वो देख लीजिए। आर हमको दे दिया है 20 ओम का, इंडक्टेंस दिया है 0.5 हेनरी, ठीक। स्विच टू डीसी वोल्ट सप्लाई, सो ईएमएफ, तो ईएमएफ 200 वोल्ट। जैसे ही आपको एक सेल का ईएमएफ दे दिया, मतलब ग्रोथ वाला सिचुएशन हो गया, और कहता है कैलकुलेट करिए रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब ऑफ करेंट, तो डी आई बाई डी टी। तो हमसे मांग रहा है डी आई बाई डी टी इज वाट, डी आई बाई डी टी वाट, तो कब कब, जब इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच। तो देखिए डी आई बाई डी टी पहले तो हम निकाल लें, तो हम जानते हैं इस केस में, तो फॉर ग्रोथ ऑफ करेंट इन एल आर सर्किट क्या होता है, आई का फॉर्मूला, तो आई नॉट इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, यही पड़े, तो डी आई बाई डी टी करना है, तो डी बाई डी टी ऑफ यही चीज हो जाएगा, आई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, सिंपल है। तो कॉन्स्टेंट क्या है, आई नॉट बाहर कर दीजिए, और वन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा जीरो माइनस, और इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन तो ये तो यही रह जाएगा, बस मल्टीप्लाई होना है टी के कोफिशियंट से, जो है माइनस वन बाई टाउ, ठीक है, और फिर इसको ओवरऑल आप सॉल्व करिए, तो माइनस माइनस प्लस, सो आई नॉट मल्टीप्लाइड विथ, ये टाउ नीचे आ जाएगा, और फिर आपका ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, सो द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी इज लाइक दिस, आई नॉट बाई टाउ, है ना, और इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब जो जो पूछता है वो सब हम देखो रखते जाएंगे और आता जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में क्या पूछा, एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच, जैसे ही क्लोज किया मैंने टी इक्वल टू जीरो, तो एट टी इक्वल टू जीरो आपका डी आई बाई डी टी बन गया आई नॉट बाई टाउ और ई टू द पावर यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो रखिएगा, ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, सो ई टू द पावर जीरो इज वन, सो आपका ये वहाँ पर क्या हो गया, आई नॉट बाई टाउ। अब टाउ क्या होता था, तो एल अपॉन आर, तो आर से ऊपर मल्टीप्लाई, ओके, तो जो मैक्सिमम करंट थी एसटीडी स्टेट की करंट, वो आपको निकालनी पड़ेगी। आई नॉट क्या था भाई, तो आई नॉट था ई अपॉन आर, तो ई कितना है 200 वोल्ट सप्लाई और आर रेसिस्टेंस है 20 का, तो आप देख सकते हैं ये 10 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पर आप रखिए आई नॉट 10, आर की वैल्यू हो गई हमारी 20 और एल की वैल्यू दी हुई है 0.5 एनडी, सब ऐसा ही में ही है तो रख सकते हैं। तो चलिए इसे हटाइए, हाफ है एक्चुअली, तो इसे हटा के यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आपका फर्स्ट आंसर बनेगा 2 इंटू 2 4, सो 400, ठीक है, तो एम्पियर पर सेकेंड डी आई बाई डी टी, तो 400 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पर करंट चेंज होगा, ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो। उसी तरह से आफ्टर वन टाइम कॉन्स्टेंट, तो मालूम है आपको कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट हमने आपको बताया कि जब ग्रोथ की बात हम लोग करते हैं तो इस तरह से उसका इक्वेशन जा रहा था, है ना, इस तरह से आई नॉट इक्वेशन जा रहा था, और एक टाइम कांस्टेंट टाउ पे हमने आपको बताया था कि ये 63, है ना,
37 और 63, तो 63 0.63 टाइम्स I नॉट करंट बना लेता है ग्रोथ के केस में, तो 0.63 टाइम्स I नॉट हो जाएगा। तो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट आपको यहां पर क्या निकालना है? अच्छा, आपको यहां करंट नहीं निकालना है बल्कि DI/DT निकालना है। तो सॉरी, तो यहां पर देखिए ना, इस T को आपको क्या करना है, टाउ लिखना है, राइट। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्चुअली करंट पूछता तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन अभी ये क्या पूछा आपसे, DI/DT आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो आई नॉट तो हमें मालूम है, आई नॉट हो गया हमारा, अभी निकाले ना हम लोग आई नॉट 10 एम्पियर बाई टाउ, टाउ हमारा हो गया कितना, टाउ भी हम अलग से लिख ही देते हैं, L/R, L है हमारे पास 0.5 और R है हमारे पास 20, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। सो टाउ इज 1/40 एंड देन e टू द पावर माइनस t को आपने टाउ कहाँ रखने, तो ये हो जाएगा -1। सो ये हो जाएगा 400 टाइम्स 1/e, सो 400/e। तो 1/e को जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका रिवर्स वाला 0.37 टाइम्स वो हो जाता है, ठीक है। 1/e 0.37 के करीब आता है, तो इसको यूज कर सकते हैं। और फिर आप लिख लो वहां पे, वो 400 हो जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा और 4 से गुना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 148, तो ये भी एम्पियर पर सेकंड। अगर करंट पूछता आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, तब आप 0.63 टाइम्स आई नॉट लिख सकते, तो बट यहाँ पर तो सिर्फ पूछ रहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट इन ईच केस, सो ये भी हो गया। अब क्या कहता है, फाइंड द स्टेडी करंट इन द सर्किट, तो वो तो है ही आपके पास यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा नंबर 3, तो नंबर 3 का आंसर आपका यहाँ पे हो गया I not, तो वही होगा वो 10 एम्पीयर। तो समझ सकते हैं आप, ये सब काफी इजी रहता है। तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ फॉर्मूले अगर अच्छे से याद रह गए तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड आपका यहाँ पर सारा काम हो चुका है ना, तो इतना आप कंप्लीट करें, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आगे की बातें करेंगे उसमें। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़िए।